हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 3 माइनर पेपर 1 भी बोलो या तो फिर माइनर पेपर 2 बोलो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। हम आपको सिलेबस पढ़ के नहीं बताएंगे, बस आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इस वीडियो में आपको हम पहले ये बताएंगे कि सबसे पहले आपको कौन पढ़ना, उसके बाद कौन पढ़ना, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि पहले कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद अगर आपको समय बचता है तब कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और इनमें से कुछ क्वेश्चन करवा दिया गया, वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वो सभी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी क्वेश्चन बहुत ही जल्द करवाया जाएगा क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसमें बिल्कुल समय नहीं मिला है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कनिष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन करें, कनिष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर समय बचता है तब आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए या तो फिर समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन करें। एक समुद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 4, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है, इसका मैंने आंसर भी करवाया। देखिए जो भी मेरा YouTube चैनल पर आंसर का वीडियो मिलेगा वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की विजयों का विवेचना करें या तो फिर हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन की विवेचना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99% गारंटी एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट है आपको पलवों की राजनीतिक या तो फिर दे सकता है पलवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। तो एक ही साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा पलवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक आएगा तब भी आप लोग राजनीतिक संस्कृति मिलाकर दे दीजिएगा, और अगर संस्कृति पर आएगा तब भी राजनीतिक और सांस्कृतिक मिलाकर के दे दीजिएगा आंसर, अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको चोलों की राजनीतिक या तो फिर सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। ये भी आपका है, या तो राजनीतिक पर देगा या संस्कृति पर, या दोनों दे सकते हैं कि राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें, या तो दे सकते हैं कि चोलों का स्थानीय स्वशासन का वर्णन करें। प्रशासनिक व्यवस्था या तो फिर स्थानीय स्वशासन, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन कि आपको पहले कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है, पहले कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक ये हो गया आपका। उसके बाद जो दूसरा नंबर है मथुरा और गंधार की कला के मुख्य विशेषताओं का विवेचना करें, समय बचता है तो उसके बाद आपको पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट समय बचने पर चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियाँ। नेक्स्ट हर्षवर्धन काल इतिहास, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।